गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हमें जैसलमेर के पास में और रात को पूरे तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अजमेर रोड पर, और अजमेर रोड से जैसे थोड़ा सा आगे निकले मुझे मेरे दोस्त मिल गए ये, और इनकी कार खड़ी है यहाँ पे, और ये हमारी गाड़ी है, और अब यहाँ से निकलेंगे साथ साथ में। अब तो काफ़ी सारा ग्रुप हो चुका है तो मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पहुँच के, और अब बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि कैसी ट्रिप रहने वाली है। तो मिलते हैं फिर आगे। सबसे पहले तो दोस्त वहाँ पहुँचे, आके पहुँचे अभी बेलाड़ा जो पड़ता है ब्यावर के पास में, और यहीं पे ये रेस्टोरेंट है, यहाँ चाय पी रहे हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये यहाँ के ये नसीब हुई है भेड़ बकरी की चाय जो कि पीने में बहुत टेस्टी लग रही है, क्योंकि अपने साइड मिलती नहीं है बेसिकली, इसलिए तो इसी को इंजॉय कर रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हमें जैसलमेर के पास में, और रात को पूरे जैसलमेर में घूमे, रात के 3-4 बजे जाके पहुँचे तो कोई रूम नहीं मिला पूरे जैसलमेर के अंदर। पूरे जैसलमेर घूमने के बाद में थोड़ा पास में हमने एक टेंट लगाया और वहीं रात निकाली, और मज़ा आ गया सब चीज़ करने के बाद में। ठंड ज़बरदस्त है, बहुत कड़ाके की ठंड, अभी भी कप कपी लग रही है, ऊपर से लगती है नीचे से लगती है, और ये टेंट था इसमें नीचे से थोड़ा सा ठंड फील हुआ, बाकी सब मस्त रहा, और अब खुद ही खाना बनाएंगे। रात के 12:30 बज चुके हैं और ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, और अभी हम रुके हैं पोखरण के पास में चाय पीने के लिए, और ठंड इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कड़ाके की, तो सब लोग सो गए, लेकिन सोचा कि रात में चाय पी ले जाए जिससे थोड़ा सा गर्म हो जाए और बाकी का जो रास्ता है उसको ट्रैवल कर सके। और ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पियेंगे चाय, और बहुत ज़बरदस्त ठंड है, और यहाँ भेड़ बकरी वाली चाय मिलेगी, उसको एंजॉय करेंगे, और चाय पी के फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। अब आ चुकी चाय, और मारवाड़ में आप जानते हैं भेड़ बकरी वाली चाय मिलती है और टेस्टी है पर, और अब 12:30 बज चुके हैं, अब निकलेंगे आगे के लिए, बाकी का रास्ता, ठंड काफ़ी है, बहुत हड़ कांपने वाली ठंड है, ज़बरदस्त, चाय पी के निकलते हैं, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों हमें अभी रामगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, जो कि तनोट जाता है उसी रास्ते में 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके का व्यू है, और यहाँ जब भी आए आप यहाँ नहा सकते हैं, धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, और यहाँ बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से क्लीन और नीट पानी है, पानी बोरिंग का है ये बह रहा है, और हमेशा चलता ही रहता है, और यहाँ आके कभी भी आ सकते हो और एकदम मस्त तरीके से इंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल खुला है, वो नहा धो सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं तनोट माता के, और बीच में करेंगे ब्रेकफास्ट, मिलते हैं फिर वहाँ। पहुँच चुके हैं तनोट माता मंदिर पर, तनोट माता मंदिर के जो बाहर का जो मेन गेट है वो इस तरीके से लगाया गया हुआ है। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं तनोट माता के, जो कि जैसलमेर का बहुत फेमस टेम्पल है, सब लोग जानते हैं, फौजियों का मंदिर है, जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जो बॉम्ब गिरे थे 1962 में, वो यहीं गिरे थे, और वो सारे बॉम्ब मंदिर के भीतर है, वो बिल्कुल भी विस्फोट नहीं हुए थे, वो ऐसे कैसे सेफ रखे हुए हैं, और ये तनोट माता का पूरा व्यू है, चलो देखते हैं अंदर। तो 1962 में जो बम गिरे थे यहाँ पे, वो बम हुए हैं, ये यहाँ की कैनन, जो बॉम्ब गिरे थे वो एक भी नहीं पटा, पूरे ऐसे कैसे रहते हुए यहाँ पे, यू कैन सी।
इन्होंने पूरे इतिहास को संजो के रखा है। तनोट माता के मंदिर के बाहर ये रुमाल्स बंधे हुए हैं और यहाँ से कहते हैं कि जो भी रुमाल बांधता है इस तरीके के तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने तो अभी बांधे नहीं कर रहे हैं और हमारे कोई मनोकामना है जो जवान है और उन्होंने हमको परमिशन दी और हम निकलते हैं यहाँ से बॉर्डर पर। आप पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर और ये है वहाँ का परमिशन लेटर। ये मेरे जो पीछे दिख रहा है वो ब्लैक गेट सा, वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन अब ये अलाउ नहीं करे, मैं लास्ट ईयर आया था तब तो इन्होंने अलाउ किया था कुछ प्राइवेसी की वजह से, तो वहाँ पे जा नहीं सकते। ये यहाँ का परेड ग्राउंड, परेड होती है जो सोल्जर्स हैं इनकी। ये बना है वॉच टावर जहाँ से हम देख सकते हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को, काफ़ी ऊँचा है। इसके ऊपर चढ़ेंगे अपन, टेरिस पे जाके आएंगे, एक बार देखते हैं ऊपर फोटो खींचेंगे। अभी हम आ चुके हैं वॉच टावर के टेरिस पे, ये लास्ट टेरिस है वॉच टावर। और यहाँ से पीछे से इस तरीके का व्यू है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का। ये जो सामने बॉर्डर दिख रहा है